पूरी की पूरी मच्छी, आज मच्छी की मास्टर क्लास नहीं हो रही है, आज मछली की वो डिश बन रही है जो भैया दुनिया भर में फेमस है। देखो हम पंजाबियों में एक खास बात क्या होती है कि हम लार्जर देन लाइफ एंड लाउडर देन लाइफ होते हैं। तो हमारी डिश कैसी भी हो भैया पूरी दुनिया में पहुंच जाती है क्योंकि हम उसको आवाज़ मार मार के पहुंचा देते हैं, समझ रहे ना आप, पंजाबियत है। तो फिश के साथ कौन सी वो पंजाबी डिश है जो बननी चाहिए सबसे फेमस, बताओ 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 बताओ। अरे वही वाली अमृतसर वाली फिश अमृतसरी, यानी कि बढ़िया फिश के पकौड़े। बारिश हो तो मज़ेदार, गर्मियां हो तो मज़ेदार, सर्दियां हो तो और मज़ेदार। तो आज हो जाए बढ़िया फिश अमृतसरी। मेरे पास है बेकती मछली, तो मैं दिखाऊंगा कि इसे काटेंगे कैसे, प्रोसेस कैसे करेंगे और फिर उसके बाद फाइनली फिश अमृतसरी कैसे बनेगी। हाँ मैं जानता हूँ आप बोलेंगे कि अरे शेफ इतना तामझाम क्यों करना है, हम फिश कटी हुई ले आएंगे। वो तो आप ला सकते हो, कुछ नया सिखा रहा हूँ। और अगर नया सीखते रहना है, हर सोमवार, हर बुधवार और हर शुक्रवार को एक नई रेसिपी आती है हमारे चैनल पर शेफ अजय चोपड़ा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, तीन काम करोगे घंटी बजाओगे, हर हफ्ते कुछ नया सीख के जाओगे, ये हमारी गारंटी। तो चलिए शुरू करते हैं मछली की कहानी से। आज इन्हें बताएगा जाएगा कि क्या है, कौन सी है, कैसे काटी जाएगी, कैसे कमाल करा जाएगा इसके साथ। तो चलिए ये जो फिश है इसको प्रोसेस करते हैं और आपको बताएंगे कि इसे कैसे काटा जाएगा, कैसे इसे प्रोसेस किया जाएगा, कौन सा पार्ट यूज़ करना है, कौन सा कहाँ यूज़ करना है, ऑल दैट इज़ गोइंग टू बी टॉट। चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक रिवर फिश है जिसका नाम है बेटकी, बेटकी दोनों नाम से जानी जाती है। और कोई भी रिवर फिश के ऊपर स्केल्स काफ़ी होते हैं। अब मैंने स्केल्स पहले ही निकाल लिए हैं क्योंकि काफ़ी मेसी काम होता है, स्केल्स उड़ते हैं। पर आपको अगर स्केल्स निकालने हैं तो नाइफ का जो उल्टा पार्ट है, जो नॉन शार्प पार्ट है, उस पार्ट से आप इसे इस तरीके से आप ज़ोर से आप इस तरह से आप इस मोशन में करोगे तो आपके स्केल्स निकल जाएंगे। स्केल्स निकालने बहुत ज़रूरी है, इन्हें सिन्ने भी कहा जाता है। वो सिन्ने जो होते हैं ना वो एडिबल नहीं होते, तो सिन्नों को निकालना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद मछली को धो लिया जाए। सिन्ने आपके पूरे यहाँ पे पूरे स्किन पे सिन्ने रहेंगे, यानी कि स्केल्स रहेंगे, और दूसरी तरफ भी सेम कहानी करनी पड़ेगी। ये इसके स्केल्स हैं और ये स्केल्स एडिबल नहीं होते हैं तो इसे निकालना ज़रूरी है। सो अगर आप पूरी फिश को प्रोसेस कर रहे हैं तो सबसे पहले जो ये हेड और बॉडी को जो सेपरेट करता है पार्ट, वहाँ पे इस तरह से एक फ्लैप होता है जहाँ पर इसकी गिल्स होती हैं। और इसे अगर आप थोड़ा सा उठाएंगे और फिर इस तरह से नाइफ मार देंगे तो एक पूरा गैश बन जाएगा। यहाँ पर फिश का पेट होता है और इसके अंदर इसके सारे एंट्रेल्स होते हैं, तो वो एंट्रेल्स को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये जो फिश का हेड है, जनरली लोग बोलते हैं बहुत अगली है, कौन खाएगा, लेकिन इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इसे अलग कर लिया जाए। अब ये जो फिश हेड है इसको प्रिपेयर करने का तरीका अलग ही है। इस ये करी में जाता है तो ये सारी चीज़ें साफ होती हैं, ये निकाली जाती हैं और इसकी आई निकाली जाती है, मुंह निकाला जाता है, काटा जाता है और फिर इसके पीसेस करके फ़िश करी में डालिए। बहुत बढ़िया स्वाद आता है। इनफैक्ट बंगाली फ़िश करीज में हेड होना बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िश का जो फिले निकाला जाएगा वो या तो आप पीछे से शुरू कर सकते हैं, तो टेल के पीछे से इस तरीके से एक गैश मारेंगे। नाइफ को एक एंगल में रखना है ताकि आप बोन को फील कर सकें, और सिर्फ नाइफ़ के ऊपरी पार्ट से अभी काम होगा। और फिर उसके बाद इस तरीके से पहले इसको हमने बोन से छुड़ाया और फिर उसके बाद नाइफ़ के सिर्फ टॉप से इसको इस तरीके से काटते गए। अब नाइफ़ को इस तरीके का एंगल देके बोन से फ्लैश छुड़ाते रहेंगे। अब एक फिले निकल गया है, आपको चाहिए तो आप इसके करी कट्स बना लें। ध्यान रखिएगा कि इसकी जो बोन है वो काफ़ी मोटी है, तो आपको एक बड़ा नाइफ़ चाहिए उसके लिए और हाथों में थोड़ा दम। और अगर वो सब नहीं करना तो बाहर से तो आप ले ही सकते हैं, ऑप्शन आपके पास हमेशा है।
और मुझे फिले चाहिए, तो मैं दूसरे का भी फिले बना देता हूँ। अब ये दो बढ़िया फिले तैयार हैं। अब ये जो इसका बेली पार्ट है, यहाँ पर भी जो बोन्स होती हैं, इसे निकालना होगा। तो अगेन नाइफ को एक एंगल पे रख के हल्के हल्के इसको छुड़ाते जाएंगे। ये बोन्स निकाल दी गई हैं और जस्ट एक बार उंगली से फील कर ली जाए कि कोई बोन है, तो इस तरीके से खींच के भी उसे निकाल सकते हैं। अब स्किन निकालने के लिए थोड़ी सी स्किन को पहले नाइफ के टिप से छोड़ा लिया जाए इस तरीके से, और फिर अच्छे से इसको ऐसे पकड़ा, नाइफ को एंगल पे लगाया और एक स्विफ्ट मोशन में स्किन को छुड़ाते चले। स्किन आउट, फिले रेडी। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्किन का अंदर का पार्ट है, बिल्कुल भी फ्लैश चिपका नहीं है, और ये बाहर का पार्ट है और यहाँ पर बिल्कुल स्किन नहीं चिपकी हुई। सो दिस इज डन। अब फिंगर्स काटने, बेली के फिश फिंगर बहुत अच्छे निकलते हैं, बट ये फिले है और यहाँ पर एक जो लाइन है इसके थ्रू नाइफ को पहले दौड़ा देंगे, क्योंकि कई बार यहाँ पर छोटे कांटे होते हैं, तो अगर छोटे कांटे हैं तो उसे निकाल लिया जाएगा। ऐसे दो बड़े पीस काट लिए। अब हम चाहें तो इसके ऐसे डाइस कर सकते हैं और चाहें तो इसके फिंगर्स निकाल सकते हैं। फिंगर्स बढ़िया लगेंगे भैया, फिंगर्स काट देते हैं। चलिए अब ये फिंगर्स रेडी हैं, अब करेंगे इन्हें मैरिनेट। बढ़िया हो गया ना, अमृतसरी मच्छी बन रही थी फिश फिंगर स्टाइल, और उसमें हमने लगे हाथ आपको फिश काटना भी सिखा दिया। अब ये जो फिश के जो हमने फिंगर काटे हैं ना, इसे अच्छी तरह पानी के साथ वॉश कर लिया जाए और इसका पानी निकाल लिया जाए, क्योंकि भैया अब पानी का कोई काम नहीं है, धुल गए हैं बढ़िया से। अब होगा इनका लेमिनेशन, मतलब प्यार से मैरिनेशन को हम लेमिनेशन कहते हैं। सबसे पहले डालो जी नींबू का रस, और नींबू का रस अच्छी क्वांटिटी में जाता है। सो इतने फिश के लिए करीबन 1.5 नींबू का रस हमने डाल दिया। हल्दी, नमक, अगर काला नमक डालना है तो काला नमक भी डाला जा सकता है, उससे और अच्छा फ्लेवर आता है। मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्का सा गरम मसाले का पाउडर, साथ में मेन इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है अजवाइन, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये है आपका टिपिकल अमृतसरी फिश का मैरिनेशन। अब अमृतसरी फिश की जो एक्चुअल मैरिनेशन है वो यहाँ तक, इसमें अंडा फिर बेसन, लेकिन मेरी वाली रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें थोड़ी सी सूजी, थोड़ा सा चावल का आटा और थोड़ा सा चुटकी भर बेकिंग सोडा, एकदम बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएगी, बिल्कुल मजमदार। एक अंडा, साथ में जाएगी थोड़ी सी सूजी एक्स्ट्रा क्रिस्पनेस के लिए, सरसों के तेल का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर, थोड़ा सा चावल का आटा, एंड फाइनली बेसन, हल्के हाथ से इन सारी चीजों को एक साथ ले आइए। चॉप किया हुआ धनिया और चुटकी भर बेकिंग सोडा, बढ़िया से मिक्स कर लो, और अब है जी रेडी फ्राई करने के लिए। मेक श्योर कि बैटर जो है कोट हुआ हो, एक एक फिश का पीस जाएगा अंदर। अब इतनी मेहनत करी है तो
तो यहाँ पर आके तो मतलब हम गड़बड़ी नहीं कर सकते ना कि मतलब पूरा गट्ठा डाल दिया फिर निकाल रहे हो। ये जनरली फ्राइंग में दिक्कतें हो सकती हैं कि कुछ लोग ना उसको ऐसे ही डाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिश फिर या चिकन हो वो सब एक दूसरे के साथ अटक जाते हैं और फिर वो निकलते नहीं है, फिर उसकी चमड़ी निकल जाती है, तेल अंदर घुस जाता है। फ्राइंग एक्चुअली इज़ नॉट अनहेल्दी, बट जिस तरह से हम फ्राई करते हैं ना वो तरीके अनहेल्दी हैं। तो सही टेम्परेचर पर अगर आप फ्राई करोगे तो चीज़ें जो हैं वो तेल पिएंगी नहीं, तो अगर तेल पिएंगी नहीं तो हेल्दी रहेंगी। मछली के पकौड़े यानी कि फिश अमृतसरी बढ़िया से क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है, अब इसे निकाला जाए आहा और इसे किया जाए सर्व बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में। भैया देखो साथ में नींबू, मिर्च, चाट मसाला, मिंट चटनी, लच्छा प्याज, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आओ जी गैस नू करो बंद। अब जब ये गरम गरम है ना इसके ऊपर डाल दो खूब सारा चाट मसाला, तो क्या होता है कि ये चाट मसाला हल्का हल्का जो इसमें तेल लगा होता है उसमें पकड़ लेता है। और एक और चीज़ इसके साथ साथ ये देखो कि ये कितना क्रिस्प है, आवाज़ आएगी क्रिस्पी, एक्स्ट्रा क्रिस्पी। और टेस्ट भैया आह, बल्ले बल्ले ते शावा शावा अमृतसरी फिश बहुत ही वधिया बनी है। आहा।